तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s में कोई इशू आ रहा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इस सेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी दो चार दिनों से बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया हूँ और कंटिन्यू सेम प्रॉब्लम मुझे डेली ही आ रही है। दो तीन घंटे वो प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद रिजॉल्व हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो सकता है इसके अलावा आपके मोबाइल में अलग से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एक बग के बारे में जो मुझे अपने सैमसंग A52s में कुछ दिनों से अभी रिसेंटली दिख रहा है। वो बग है कॉल डायलर को लेके, कॉन्टैक्ट को लेके और आपका कीपैड जो भी जहाँ पर नंबर टाइप करते हैं, नंबर पैड को लेके कंटिन्यू हो क्या रहा है। कुछ दिनों से पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अगर मेरे पास कोई कॉल आता था वो नहीं, रिसेंटली मैं रिसेंट वाली जो ऐप होती है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो हो क्या रहा था, रिसेंट वाली जो ऐप दिख रही है ना, यहाँ पर अपडेट ही नहीं हो रहे थे यार। यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा था, मतलब कि जो लास्ट मेरी 4 बजे की ऐसा हुआ मेरे साथ, एक बार 4 बजे का लास्ट रिसेंट दिखा रहा था, उसके बाद मैंने 15-20 कॉल आए, कुछ मिस कॉल्स भी आए, कुछ इनकमिंग, कुछ आउटगोइंग, सब कुछ किया, बट वो उसमें रिसेंटली में शो ही नहीं हुआ। उसके बाद तो हद ही हो गई यार। उसके बाद तो ऐसा रहा, कोई मुझे मिस कॉल कर रहा था ना तो वो भी शो नहीं हो रहा था, मतलब मिस कॉल की लिस्ट भी नहीं पता चल रही थी। कोई मैसेज, कोई अगर कॉल आता था, बस अगर आपने उस टाइम देख लिया कि किसी का कॉल आया तो ठीक है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो वो आपके कॉल रिसेंट में नहीं दिख रहा था। और उसके बाद तो एक चीज़ और हद हो गई थी, अगर मैं कॉन्टैक्ट में जा रहा था ना तो कॉन्टैक्ट का यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहे थे यार, कॉन्टैक्ट ही नहीं आ रहे थे, कंटिन्यू सेम इशू आ रहा था। तो उसकी एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, छोटा सा एक मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था ताकि आपको सबूत के साथ बता सकूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो वो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखेंगे। आपके साथ मैं भी एक बार उसको देखूंगा। देख रहा आप, नंबर पैड आ गया है, ये रिसेंट कॉल में कुछ भी नहीं दिख रहा, आज सडनली सुबह का ही है, और उसके बाद अपडेटिंग कॉन्टैक्ट चल रही, कम से कम ये चलता रहा 1-2 मिनट तक चलता रहा। और जब मैं इसको खोल के छोड़ दिया, अगर मैं इसको बंद कर देता तो शायद नहीं होता, पर मैंने उसको अपडेट कॉन्टैक्ट पर देख के इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा तो लगभग 1 मिनट बाद उसके अंदर कुछ आत्मा कुछ भी हुआ, पर कॉन्टैक्ट का डेटा वापस आ गया, पूरा कॉन्टैक्ट वहाँ पर दिखने लगे। बट ये प्रॉब्लम आ रही है यार भाई, मेरे साथ कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, कंटिन्यू सेम प्रॉब्लम आ रही है। कॉन्टैक्ट में इश्यूज़ आ रहे हैं, कॉल डायलर में इश्यूज़ आ रहे हैं, कॉल मेरी वहाँ पर रिसेंट की में अपडेट नहीं हो रही है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी देर बाद ये अपडेट हुआ है, तो यही बग दिख रहा है मुझे सैमसंग A52s में अभी रिसेंटली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, आपको कुछ बग दिखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये अपडेट भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।